यहाँ आस्था रहती है ईश्वर पर, राम पर, जानकी हनुमान पर, उस भगवान पर जो हर कोने, हर नुक्कड़, हर मंदिर में विराजमान है। यही है राजा दशरथ की अयोध्या नगरी। ये राम की पैड़ी है। यहाँ पर 2017 में घाटों को और बड़े मंदिरों को एक नई शक्ल दी गई, इनका रंग रोगन किया गया। ये मंदिर तो साहब लगभग 150 वर्ष पुराना है। भगवान चला रहे हैं जैसे वैसे चल रहा है, और नहीं तो अपना जल का भोग लगाएंगे, वही पीछे सो जाएंगे। हिंदुओं के लिए रामायण और राम की नगरी कही जाने वाली अयोध्या खास रही है। राजाओं से लेकर अवध के नवाबों तक ने यहाँ मंदिर बनवाए। भक्तों की सहूलियत हमेशा से राखो रही, लेकिन कुछ बुनियादें कमजोर होती चली गईं। लगभग जो है 200 मंदिर को जो है नोटिस किया गया, नोटिस दिया गया, और वो खंडहर स्थिति में पड़े हुए हैं। उस पर नोटिस भी चस्पा है, गेट ही नहीं है, टूटा हुआ है, कहीं जो है प्लास्टर ही नहीं है, कहीं छत टूटा हुआ है, एक तरफ है, कहीं किसी तरीके से है, तो पूरा जर्जर स्थिति में जो है आश्रम पड़े हुए हैं। और नोटिस भी है, उसका कोई देख रेख नहीं हो रहा है, ना प्लास्टर हो रहा है, ना मेंटेनेंस हो रहा है, उसमें पब्लिक भी रह रही है। ईश्वर तो एक ही हर जगह है, लेकिन वहाँ पर विशेष ज़्यादा ईश्वर नया दिखाई दे रहा है, और बाकी ईश्वर कोई मान नहीं है हर मंदिरों का, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है रूप ना, सब राम जानकी हैं, लेकिन वहाँ अरबों वाले राम जानकी हैं, आठ आना वाले राम जानकी हैं, क्यों भैया है कि नहीं? राम से जुड़ी है अयोध्या, और अयोध्या से जुड़ी रही है हिंदुओं की भक्ति। भक्ति का एक दूसरा पहलू तब दिखा जब राम जन्मभूमि आंदोलन का जन्म हुआ। शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला तनाव का, अदालतों का और सियासत का भी, क्योंकि सभी निगाहें राम जन्मभूमि पर थीं, इसके आसपास खत्म होती संस्कृति अकेले ही बिलकती रही। कोई डेवलपमेंट करते तो शॉर्ली हमें वहाँ पे कुछ चेंजेस भी लाने होते हैं। रिचुअल सिटी है, वो चेंजेस नहीं चाहते हैं, वो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है, गिर रहे हैं वो, उनको भी ये बात समझाना कि वो मतलब उनको अगर अपनी जान की या औरों की जान बचाने की ज़रूरत है, तो उनको ये समझना होगा कि शहर में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको अब हटाया जाना चाहिए। हमें कुछ अच्छा चाहिए तो हमें थोड़े सेक्रीफाइसेस करने होंगे, और हमें सरकार का साथ देना होगा, तो हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, क्यों बनती चली गई अयोध्या मंदिरों की नगरी? क्यों है यहाँ लोगों का इन इमारतों पर ऐसा अटूट विश्वास? स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म को देखें, या ब्रिटिश गजेटियर्स को देखें, या जिस तरह से काम हुआ है, वैसे आज अयोध्या की एक और हकीकत है। लगता है शहर में आने वाले सभी लोग निर्माणाधीन राम मंदिर की ही तरफ जा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इस जल्दबाजी में कई प्राचीन धरोहर जो अयोध्या की पहचान है, इतिहास की गर्त में समाते जा रहे हैं। आज की दुनिया में कहना नहीं चाहिए, जो दिखता है वही बिकता है, तो जो भव्यता है, लोग भव्यता के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे हैं, भव्यता के पीछे भाग रहे हैं। सरकार हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, बस जो भी भव्यता है राम मंदिर की है, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, राम मंदिर है, ये सब जो बड़े बड़े मंदिर हैं, यहाँ तो लोग जाते ही हैं। कहा जाता है कि हाँ, ये जो इस दीपोत्सव के स्थल पर जो मंदिर बने हैं, ये कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं? क्या इनका जीर्णोद्धार नहीं कराना चाहिए? ये मंदिर नहीं है, हम लोग इस अयोध्या में नहीं रहते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ दीपोत्सव केवल एक दिखावा है, वोट बैंक है, हम लोग वोट बैंक में जी रहे हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को एक स्वर्णिम अध्याय और ऐतिहासिक जीत मानती रही हैं, लेकिन उन्हें इसी शहर से उठे विरोध के स्वर भी सुनने को मिले हैं। जो भी स्थान है
वो जब तक आर्थिक आधार पर नहीं डेवलप होगा, लोगों का आना, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग है और वो होगा तो इसका लाभ वहाँ भी पहुँचेगा। और ये अभी तो शुरुआत है, ये एक शुरुआत है और निश्चित रूप से वहाँ भी पहुँचेगा। उस बनाने की भी बात हो रही है, सरकार अपनी तरफ से गेस्ट हाउस भी बना रही है, कई राज्य सरकारों ने वहाँ पर जमीन ली है जो बना रहे हैं। तो अगर वहाँ का जो टूरिस्ट है वो वहीं रुक जाएगा तो मुझे लगता है कि और मंदिरों में भी उसका जाना होगा। सरकार कहीं दे दे दुकान तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कष्ट होगा हम लोगों का। अब यहाँ तो भीड़ चलता है रोज, अब वहाँ जहाँ दुकान हो वहाँ भीड़ हो या ना हो, डर तो सबके अंदर पैदा है कि कैसा हो कैसा नहीं, दुकान हो कहाँ हो कहाँ कैसे हो, सबके अंदर डर पैदा है। ये डर वास्तविक है आने वाले दिनों में गुजर बसर की चिंता का, लेकिन इनकी आशंकाओं पर उत्साह से भरे श्रद्धालुओं का ध्यान शायद ही जाता है। ये साजिश चल रही है कि सारा ध्यान केंद्रीय जनता के कर दो राम जन्मभूमि की तरफ। अब वास्तव में राम जन्मभूमि जो इतना विशाल बन करके भीख मंगा तो तैयार होगा, वहाँ भीख मांगने वाला तैयार होगा, कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला तैयार होगा, कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसलिए जो छोटे मोटे जो मंदिर है जिसमें साधु महात्मा लोग रह रहे हैं अथवा गृहस्थ रह रहा है, उसको देखने की जरूरत थी। तीर्थ नगरी अयोध्या को अब एक नई और भव्य पहचान दी जा रही है। सरयू के किनारे खड़े हजारों मंदिरों वाले जिस प्राचीन शहर को सदियों से लोग जानते थे, क्या वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा?